दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में पुराने शीशे को किस तरह से चमका सकते हैं। आपके घर में पुराने शीशे कुछ इस तरह से टंगे होंगे, इस पे कुछ इस तरह से दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो आप देख रहे हैं। पुराने शीशे को कभी भी कपड़े से नहीं साफ करना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे साफ किया जाता है। आप अखबार लेंगे इस तरह से, ये देख रहे हैं आप मैं किस तरह से कर रहा हूँ। एक मग्गे में पानी रखा हुआ है हमारे पास, आप भी इस तरह से एक मग्गे में पानी ले लें, अखबार को पूरी तरह से गीला कर लें, उसका पानी निचोड़ दें, ठीक है इस प्रकार। और इसको पूरे शीशे में इस तरह से पहले गीला कर लें, शीशे को मतलब शीशे को इस तरह से पूरी तरीके से गीला कर लें, ठीक। उसके बाद बताएंगे हम, तो हमने रख दिया, सूखा अखबार ले लिया दोबारा से, फिर इसको हम इस तब तक रगड़ेंगे जब तक शीशा पूरी तरह से सूख कर क्लीन ना हो जाए। और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे शीशे पर फर्क पड़ना चालू हो गया होगा, मतलब चमकना दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए यार, ये पुराना बहुत शीशा था, दोस्तों पता है गीले कपड़े साफ करने से शीशे की चमक जो है अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाती है और धब्बे और पड़ने लगते हैं। ये देखिए आपके सामने है और आप देख रहे हैं किस तरह से ये शीशा चमक के तैयार है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरह से शीशे को चमका दिया। आपको मैं एक और उपाय बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने घर के किसी भी कांच के सामान को किस तरह चमका सकते हैं, चाहे टीवी हो या आपका LCD हो। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक नींबू को काट लें और उसको उस पानी में निचोड़ लें। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि पहले इसको अखबार को गीला कर लेंगे, फिर उसको उस कांच के चाहे शीशा हो चाहे टीवी हो चाहे LCD हो उसके ऊपर एक बार रगड़ देंगे, वो गीला हो जाएगा। उसके बाद फिर सूखा अखबार ले लें आप, फिर दोबारा उसको रगड़ रगड़ के साफ करें और देखेंगे कि आपका वो कोई भी कांच का सामान वो चमक के तैयार हो गया है।